सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। दो और गांव के साथ मेघालय के कोंगाथोंग गांव को इंडिया के टूरिज्म मिनिस्ट्री ने नॉमिनेट किया बेस्ट टूरिज्म विलेजेस के लिए वर्ल्ड टूरिज्म फेस्टिवल में। मेघालय के इस गांव की खासियत ये है कि इसको सिंगिंग विलेज या सीटी बजाने वाला गांव भी बुलाया जाता है। 2019 में बिहार के राज्यसभा एमपी राकेश सिन्हा ने इस गांव को गोद लिया और सजेस्ट किया कि इसे यूनेस्को का टैग मिले। इस गांव के 700 बाशिंदे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के साथ संवाद करने के लिए एक धुन का उपयोग जिसका नाम है जिंगराई लाउबाई एक हिस्सा है, जो इस जनजाति की पहली महिला या फर्स्ट फीमेल एंसेस्टर्स का गीत है। बच्चे के जन्म के एक हफ्ते के अंदर माँ बच्चों को एक धुन देती है जो उनका नाम बन जाता है। जबकि लोग एक दूसरे को संबोधित करने के लिए धुनों का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके रियल नाम नहीं है। हालांकि उनका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है। हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं, एक गाने वाला नाम और एक नॉर्मल नाम, और गाने वाले नामों में भी एक लंबा और छोटा गाने वाला नाम होता है। आसपास के कुछ और गांव भी इस परंपरा का पालन करते हैं। कोंगाथोंग गांव पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है, जो मेघालय की राजधानी शिलोंग से 60 किलोमीटर दूर है। इस गांव के लोगों ने अपने साथ के लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए सीटी का इस्तेमाल किया है और इसलिए इसे सीटी बजाने वाला गांव कहा जाता है। उनकी ये परंपरा काफी पीढ़ियों से चली आ रही है। ग्यारह की जनगणना के अनुसार कोंगाथोंग अनुसूचित जनजाति का गांव है। कृषि प्राथमिक व्यवसाय है और कृषि भूमि पहाड़ ढलानों पर स्थित है। गांव में 10 प्रमुख कुल या क्लैंस हैं, जिनमें से 4 खोंगसिट, माजाओ, लिंड्रा एंड पोहनोंग इसके संस्थापक होने का दावा करते हैं। अगर आपको भी सिंगिंग विलेज के बारे में ये वीडियो देख के अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करें। नमस्कार।